नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हिमालय की गोद में स्थित उत्तराखंड भूमि बड़ी पवित्र है। यहां पर चार प्रसिद्ध धाम स्थित हैं, जो देवी गंगा का उद्गम स्थल भी यहीं स्थित है। इसलिए ये राज्य अपनी पावन कथा एवं प्राकृतिक सुंदरता के क्षेत्र में भारत के सभी राज्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धन्य है देवभूमि उत्तराखंड और धन्य है उत्तराखंड में बसे लोग, जो तन मन धन से मानव सेवा करने से पीछे कभी नहीं हटते। ऐसे ही एक संस्था जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन, जो उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों के बीच निशुल्क चिकित्सा सेवा प्रदान करती है। पेश है खास रिपोर्ट। शिवालिक की सीढ़ियां लांग समतल पर अपने सौम्य रूप में निखरती मां गंगा। और उनकी दाहिनी जटाओं में सदियों से यूं ही समाई सन्यासी संतों और सेवा की आध्यात्मिक नगरी हरिद्वार। झिलमिलाती सुनहरी सुबह और जगमगाती सुरीली शामों वाला हरिद्वार आदिकाल से आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है, और चार धाम व उनके रास्तों पर अपनी उपस्थिति के बाद स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य मिशन अब देव भूमि के इस द्वार पर सेवा समर्पण के कदम बढ़ा रहा है। हम निरंतर ऐसा ही कहते रहें, परोपकार है पुण्याय पापाय परपीड़नम। हरिद्वार गंगा के तट पर श्री विवेकानंद हेल्थ मिशन के द्वारा एक अद्भुत चिकित्सा सेवा का ये प्रकल्प पूरे भारत को प्रेरणा देगा। आदरणीय कृष्ण गोपाल जी और अन्य कई स्वयंसेवकों के माध्यम से इस प्रकल्प का शुभारंभ हुआ है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस अनुष्ठान के द्वारा अथवा इस सेवा की उद्दात्त भावना के द्वारा सभी प्रेरित हों और सबको शारीरिक मानसिक आत्मिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। भौतिक मोह माया को परे झटक भक्ति की राह पर निकले वैरागी, जिनकी पक्षियों से दिनचर्या सूरज की पहली किरण से शुरू हो जाती है, जीव मात्र की सेवा ही सनातन का सार है। मां भारती की भक्ति में मानवता की शक्ति है, जिसकी दिव्य दृष्टि नर में नारायण के दर्शन कराती है। मानव सेवा के मांगलिक कार्यों में लीन पूजनीय ममतामयी मंगला माता जी का आशीर्वाद हमेशा की तरह इस बार भी साथ रहा। नर सेवा नारायण सेवा के मार्ग पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी जिस तरह से उत्तराखंड में चिकित्सा सेवाएं लोगों तक पहुंचा रहा है, ये निश्चित तौर पर सराहनीय है, क्योंकि आज के समय में मनुष्य जीवन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत आवश्यकता है। द हंस फाउंडेशन, द स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन सोसाइटी के साथ स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए हमेशा खड़ा रहा है। हम निरंतर उत्तराखंड में स्थापित चिकित्सालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोपाल जी को, डॉक्टर अनुज सिंगल को, डॉक्टर चंदोला और समस्त विवेकानंद ट्रस्ट के सदस्यों का, सभी डॉक्टरों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बादलों को छूते हिमालय के दुर्गम मार्गों और देवस्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए उत्तम स्वास्थ्य सेवा का सपना साकार कर स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य मिशन जब हरिद्वार पहुंचा तो सहयोग के लिए संत समाज स्वयं आगे बढ़कर साथ आ गया। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन का ये नवा अस्पताल है। प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम पहले से ही मानव की सेवा के लिए कार्यरत है। पूज्य स्वामी हंस प्रकाश जी, जो हमारे गुरुदेव थे, उनकी इच्छा अनुसार उन्होंने पहले से ही हमारे आश्रम के 51 वर्ष महंत रहे पूज्य स्वामी राम प्रकाश जी के नाम से धर्मार्थ चिकित्सालय
यहाँ पर बहुत सूक्ष्म रूप में प्रारंभ किया था। स्वामी राम प्रकाश धर्मार्थ चिकित्सालय का वृद्ध रूप यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। सन 2020 में धरती और घड़ी की सुइयां भले ही अपनी गति से घूमती रही हों, लेकिन साल के ज्यादातर महीने मानवीय गतिविधियां थमी रहीं, तीर्थयात्राएं बाधित हुई, पर मानवता की सेवा नहीं। स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य मिशन के अस्पताल कोरोना काल में स्थानीय लोगों की सेवा में निरंतर जुटे रहे, जिसका गठन 8 साल पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कुछ समाज सेवी डॉक्टरों ने किया। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में और अल्मोड़ा में अपने 8 चिकित्सालय चल रहे हैं, जो बिल्कुल निशुल्क लोगों की सेवा करते हैं। इसी क्रम में हरिद्वार में बहुत बड़ा साधु संत समाज रहता है, करीब 15 से 20 हज़ार, जिनको स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके लिए उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये चिकित्सालय हम स्थापित कर रहे हैं। इस सेवा यात्रा की शुरुआत 10 मई 2012 से हुई, जब देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के करीब धर्मावाला में पहला अस्पताल तैयार हुआ। इलाके के लाखों लोगों को निःशुल्क आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराता ये केंद्र एक सशक्त नींव का प्रमाण है। धर्मावाला से शुरू ये स्वास्थ्य अभियान चार धाम यात्रा मार्ग पर बढ़ चला। यमुनोत्री मार्ग पर बड़कोट, गंगोत्री मार्ग पर मनेरी, केदारनाथ मार्ग पर गुप्तकाशी के करीब नारायण कोटी और बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ के करीब पीपल कोटी के अलावा जागेश्वर धाम मार्ग पर अल्मोड़ा के पेटशाल में इस मिशन के अस्पताल शुरू हुए, जो तीर्थयात्रियों समेत स्थानीय लोगों के लिए स्वास्थ्य संजीवनी साबित हो रहे हैं। शीघ्र ही गंगोत्री और यमुनोत्री में भी मिशन अपने अस्पताल स्थापित करने को अग्रसर है, जबकि देवभूमि के तोरण द्वार रहे हरिद्वार में शुभारंभ हो गया। अगर पिछले साल यानी कोरोना काल को एक अपवाद माना जाए, तो इसके ठीक पहले 2019 में दोहरी शुरुआत हुई। बद्रीनाथ अस्पताल 11 मई 2019 को खुला और उस वर्ष नवंबर तक यहां 24,122 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें 20,560 ओपीडी थी, 3,562 इमरजेंसी केस अस्पताल में आए। ये हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, इतनी बुरी परिस्थितियों में भी रोगियों की इस तरह से सेवा करता है, इसके लिए इस ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जबकि बेहद दुर्गम माने जाने वाले केदारनाथ धाम में अस्पताल 2 सितंबर 2019 को खुला और सिर्फ 2 महीनों में ही यहाँ 10,010 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हुए। इस दौरान 8,190 मरीजों को ओपीडी में देखा गया, 1,890 इमरजेंसी केस सामने आए। केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आए थे और यहाँ पे पैर फिसलने के कारण पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन में लेकर आए। यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से देखभाल हुई और बहुत अच्छे से सबने बहुत सपोर्ट किया। स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन में अब तक 5 लाख से ज्यादा मरीजों को देखा जा चुका है। इनमें तकरीबन 50,000 मरीजों को इमरजेंसी में देखा जा चुका है और 2,500 ऑपरेशन हुए हैं। ये ऑपरेशन हर तरह के जो है माइनर एवं मेजर ऑपरेशन रहे, जिसमें लैप्रोस्कोपिक, बेरियाट्रिक, कैंसर सर्जरीज और एंडोयूरोलॉजी के सभी प्रोसीजर्स शामिल थे। इन अस्पतालों की महत्ता इसी चीज़ से पता चलती है कि बद्रीनाथ में 2018 में 158 लोगों की मृत्यु हुई और इस अस्पताल की स्थापना बद्रीनाथ में होने के बाद ये मृत्यु दर 18 तक आ गई। मानवता की गंगा जोड़ते सेवा के सेतु, लोक कल्याण के इस महायज्ञ से संपूर्ण भारतवर्ष के सैकड़ों प्रतिभाशाली डॉक्टर जुड़े हैं, जो अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन को लेकर संकल्पित ही नहीं बल्कि उद्यमशील भी हैं। इस विश्वास के साथ कि आस्था, भक्ति, त्याग और सेवा के इस महाकुंभ का अमृत कलश साधु संतों व जनसाधारण के उत्तम स्वास्थ्य के लिए नित्य प्रति सूर्योदय के साथ नई ऊर्जा का संचार करता रहेगा।
इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ये आपको रिपोर्ट हमारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।